अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों और करंट इशू से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहें। रुक करेंगे आरिफ आलम जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शफीक पूल। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ आलम में बेड्स इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम, चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पाकपतन डॉक्टर मोहम्मद अहमद शहजाद, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ जलीस, इंचार्ज बेड्स PHQ डॉक्टर उमेर मुस्तफ़ा डोगर और डिप्टी इंचार्ज बेड्स डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया थे। इफ्तिताह के मौके पर CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर मोहम्मद अहमद शहजाद ने कहा कि मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नईम इब्राहिम की तहसील आरिफाला के मासूम बच्चों के लिए खुसूसी काबिश है, जिसका सेहरा मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ जलीस और उनकी टीम के सर करदा है। डिस्पेंसर तारिक महमूद को जाता है, जिनकी रहनुमाई में आज पूरे पंजाब की तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में ये पहली छोटे बच्चों की इमरजेंसी आज वर्किंग के लिए तैयार है। मुकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम ने कहा कि इसके बाद अब अगले मरहले में दिल वार्ड का क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ जल्द फंक्शनल दिखाया जाएगा, जिसके लिए दिन रात काम जारी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के लिए 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम के फंड मंजूर करवा लिए गए। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ जलीस ने कहा कि हर शोभा अपनी जगह ठीक सिमत की जानिब गामजन है, जिसका क्रेडिट टीम वर्क को जाता है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें KNews चैनल इंटरनेशनल।